जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। ध्यायेत ब्रह्मांडनाथम् नीलनीलदतनुरत्नसिंहासनस्तम् तदक्रे भाग्यदात्री रुचि रुचिरतरा भाग्यदात्री सुभद्रा तदक्रे कामपालं धवलवरतनु लंगलं जस्य बाणो श्रीलक्ष्मीरेवतिर्द्वे परिवसतु सदा ब्रह्मदारो स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि परम कारुणिका करुणा वरुणालय भक्तवंचा कल्पतरु अनाथस्य नाथ जगन्नाथंक पद कमल तले यधमर अनंत कोटि प्राम मणिमा अनंत कोटि प्रणाम जनंकु विष्णु प्रायमणि नमई तहंक चरणि तुंडे वलई हरि हरि हो जगन्नाथ दैतरि दिव्यात्मन दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर सही चका चका नयन दर्शन करुथिले बे चक को देखुचंद चका नयन देखुना आ मोर सहयोगी मोर बड़ भाई पंडित श्री पद्मनाभ त्रिपाठी शर्मांकर महोदयंकर मुखारविंदरु महाप्रभुंकर सही दिव्य नीतिकांति को श्रवण करुथिले श्रीमंदिर रे राजेन्द्राभिषेक जहाकु जेमिति भाव आज्ञा महाप्रभु को आपण चिंता करिवे महाप्रभु आपण को चिंता करिवे आ महाप्रभु को आपण चिंता करिवे नि महाप्रभु आपण को मध्य चिंता करिवे नाही जादृशी भावना जस्य सिद्धि भवति तादृश आमे जदि महाप्रभु को से बोली भाव रे चिंता करिवा महाप्रभु से बोली भाव रे डोरी लगई महाप्रभुंकर पाख को नहीं आसीबे जदि आमे सेतिक डोर डोरी लगे र पारिबा आमे कहिबा आमर काई महाप्रभु काई डोरी लगौना आपण केते डोरी लगौचंती केते समय चिंता करूचंती केते भावुचंती आज्ञा आउ एक दिन रहिला आज्ञा तीन सप्ताह महाप्रभुंकर रथयात्रा एभली दिय कौट संसार अच्छा कहिले समस्त को दबापाई बाहर को आसी जानती काठारु किछि नबापाई नुह दबापाई बाहर को आसीबे तंकर दर्शन देवे चतुर्वर्ग फल प्रदान करिबा पाई स्वतंत्र भावर सहित महाप्रभु बाहर को बाहर आकोशी दिन बेसी दिन अपेक्षा नुह तीन सप्ताह देखु देखु गढ़ी जा तीन सप्ताह आ 22 तारीख दिन मध्य महाप्रभुंकर स्वतंत्र विधि विधान अनुसार स्नान मंडप महाप्रभु विराजमान करिवे भोर 4 आपण सीधा प्रसारण रूप से जय जगन्नाथ टेलीविजन मध्यम महाप्रभुंकर से दिव्य कथा को आपण माने मध्य श्रवण करिवे अपूर्व भावर सहित चली बेश श्रृंगार आपण महाप्रभुंकर आज मध्य राजेन्द्राभिषेक महाप्रभु आज मध्य बसुमती स्नान समस्ते घरे घरे ये देखुचंती रथर समस्त प्रकार किपर भाव प्रस्तुत चक प्रस्तुत अख प्रस्तुत तापरे समस्त प्रकार चारिनाहाका उठिबा समस्त प्रकार प्रस्तुति मध्य सरीगला चारिनाहाका उठिबा देखुचंती किपर भाव कारीगर आसी प्रथमे महाप्रभुंकर प्रस्तुत होइथिबा सही चक अख जी प्रस्तुत होती प्रणिपात हो आग काम मार्गसर होसुमती स्नान समस्त घरे घरे से बसुमती स्नान देवी मान प्रतिमा जो मैंने रखी था भल भाव सहित मजणा नीति करता सहित ग्राम देवता
ग्रामदेवीकर भावर सहित स्नानादि कर्म करा जाए आपण जय जगन्नाथ टेलीविजन माध्यम महाप्रभुंकर से बड़दाण्ड सीधा प्रसारण रूप से अपूर्व भावर सहित दर्शन करुछंती पत्तपावरंकर से चकाचका नयन महाप्रभु एठारे भक्तवृंदमानंकर सहित लीला करुछंती आज्ञा सोमवार जेहेतु शिव पंचाक्षर महिमा महात्म्य निश्चित भाव रही शिव पंचाक्षर कौन कौन ना ओम नमः शिवाय ये ओम नमः शिवाय हेउचि शिव पंचाक्षर मंत्र पंचाक्षर मिदं पुण्यं जपठेत् प्रयतस्वतिः शिवलोकम् आप्नोति शिवेन सह मोदते जो कथा रही शिव पंचाक्षर मंत्र जप करिबा द्वारा निश्चित भाव रे शिवंकर सानिध्य प्राप्ति होइथाए बा आपण देखिबे कौन ना महाप्रभुंकर लोक को प्राप्ति होता शिवलोक को शिवलोकम आप्नोति शिवलोक को से निश्चित भाव रे प्राप्ति होइथाए जे कि गोटे शिव पुराण रो उक्ति रही शिव पंचाक्षर मंत्र को शिव पंचाक्षर मंत्र हला नमः शिवाय नमः शिवाय ये हूँ शिव पंचाक्षर मंत्र नकार रे मध्य स्तोत्र रही मकार रे मध्य रही जेपरी भाव रे नागेन्द्र हाराय तिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय शिवली भाव रे मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिकाय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय ये जो कथा ये स्तोत्र रही देखि शिव पंचाक्षर स्तोत्र मध्य रही किंतु शिव पंचाक्षर अक्षर कथा जिते बड़े आसी जाए पांचटी अक्षर को यदि आपण प्रत्येक दिन जप करुथिबे ताले निश्चित भाव रे शिवलोक को प्राप्ति हे शिवंकर प्राप्ति पाए माए प्राप्ति हो गले कहा जाइछि जे आपण समस्त प्रकार दिव्यता को प्राप्ति हो जीव भक्ति प्राप्ति हो जाय थाए परम वैष्णव यदि कहा को कहा जाय थाए से होछंती देव देव महादेव आज्ञा महादेव होछंती सबुठारु परम भक्त आज्ञा परम वैष्णव बोली भाव रे गणा जाइछि आपण विष्णुंकर भक्ति प्राप्ति पाए इच्छा करिछंती किंतु देखिरा बेलु को आपण यदि सेतिकि से भावनार नथिबो राती पहिला आज्ञा एकादशी ई शिव भक्त माने मध्य एकादशी पालन करिथांती केन शिव उचंती परम वैष्णव शिवंकर दर्शन प्राप्ति हो गले शिवंकर यदि सानिध्य प्राप्ति हो जिवे ना सबु किछि प्राप्ति हो जिवा गोटिए कथा शिव पुराण रा कथा शिव पंचाक्षर रा महात्म्य संपर्क रे ता भीतर उल्लेख करा जाइछि गोटिए ग्राम रे जणे बुढ़ी माटीए बास करुथिले धन संपत्ति अपर्याप्त थाए किंतु से कहा को दियंती नाही नाम उल्लेख करा जाय नि जेहेतु से जणे कंजूस आत्मा नाम गुरुनाम नामे तिकृपणस्य च जेपरि भाव रे कथा अछि कृपणंकर नाम न नवा पाई जो माने कंजूस जाकु कृपण कहा जाए केतेक मखी चुस मध्य कहते माछी जदि पड़ी ताकु मध्य छाड़े ना काले किसी नहीं जीव कि मध्य से मध्य संग्रह करने लग पड़ी से भाई भाव ये मध्य वृद्ध जनक बुढ़ीमा जनक से कहा को किसी दिए ना किंतु प्रत्येक समय रे प्रत्येक दिन से कौन करे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर मंत्र को प्रत्येक दिन जप करू थाए प्रत्येक समय रे जप करू थाए अगणित भक्तवृंद मानंकर भिड़ मध्य लागिछि सकाळ समय टिके भिड़ रहिबो केना समस्ते दर्शन करिबा पय आसंती महाप्रभुंकर
आउ चारिद्वार से भली भाव समस्त भक्त जाऊँगी सिंहद्वार से भली भाव भक्त मध्य महाप्रभु पाख को जाऊँगी समस्त नीतिकांति महाप्रभुंर भितर चली महाप्रभुंर से भली भाव सहित द्वार फिटा ठार आरंभ कर समस्त नीतिकांति त्वरान्वित होपण मैंने द्वार फिटा ठार आरंभ कर एपर्यंत महाप्रभुंर वेश श्रृंगार चली आपण मैंने संपूर्ण भाव दर्शन करुंती जो कथा आसी था महाप्रभुंर आज मध्य चारटा दस रु जेहेतु द्वार फिटा होतीपाई शीघ्र महाप्रभुंर नीति चली भितर महाप्रभुंर प्रायतः कहीं चारटा दस रे माने पांचटा दस रे महाप्रभुंर मंगल आरती सरी जाइए भितर शोध तापर महाप्रभुंर संपूर्ण भाव अन्यान्य नीतिकांति चली प्रायतः वल्लभ महाप्रभुंर सरी जीवनी जहाँ जनापड़ी से दर्शन आरंभ हो जा अल्प समय भितर देखिए ये भिड़ महाप्रभुंर पाखे ना दर्शन चलवा आरंभ कर दर्शन बंद हो गले भिड़ बढ़ी जाता है दर्शन चलवा मात्र के आउ कदापि भिड़ हुए ना जो शिव पंचाक्षर मंत्र को सी प्रत्येक दिन जप कर आपरी भाव महाप्रभुंर नाम को जप करेतु शिव भक्त सी जड़े शिव पंचाक्षर महात्म्य आज्ञा अनेक प्रकार रही आज्ञा जहाँ को आप जप कर गोटे देवता नाम जप कले आपण को निश्चित भाव पुण्यता प्राप्ति हे उत्तर द्वार दर्शन करपटे से भाव बारिकेट कराईटे अच्छा कहीं सिंहद्वार लोक छाड़ापर अन्न्य से भाई भाव थर को थर छड़ा जाए से आप भाव लोक क्यों कौन नहांती मान फाका अच्छी ना तो सेठार छड़गला मान से अनुसार आउ गोटे द्वार छड़ा जा तापर से भली भाव दक्षिण द्वार छड़ा जापे पश्चिम द्वार छड़ा जापर उत्तर द्वार छड़ा जाए से भली भाव सहित कहीं पुलिस कंट्रोल संपूर्ण भाव कंट्रोल कर मंदिर प्रशासन तरफ पुलिस प्रशासन तरफ समस्त प्रकार विधि व्यवस्था अनुसार दर्शनार्थी भक्त वृंद मैंने सुरक्षित भाव सहित जपरि भाव महाप्रभुंर भितर को जा दर्शन करें आम तो उत्तर द्वार दर्शन करनर्वर श्रीमंदिर दर्शन करण करे प्रत्येक दिन शिवंकर नाम को जप करे जहाँ कि शिव पंचाक्षर मंत्र को जप करुथाय केही आसिले मध्य ताकू कहा को मध्य किछि दिए नाही जेबली बाबरे जने साधु जने आसिले भवत भिक्षाम देही भिक्षा मागिवारु कहले कौन से वृद्ध जनक बुढ़ी जनक कहले कौन यही घर केवल गाँव में कौन यही गोटे घर अच्छी भिक्षा मागिया पलि आसिले ना ना मुझे जानते आपण को नदे से कहले नदे आपण किसी पुण्य प्राप्ति हम ना आ गोटे मोर कथा मन रखु जादुआरु अतिथि बाहुडे गोविंद जादुआरु अतिथि बाहुडे जाए तार समस्त प्रकार पुण्य नहीं जाए पाप तार छाड़ी दे जाए यदि अतिथि खाली हाथ में बाहुड़ी जाए से कदापि किए आसिले बाहुड़े देवे ना किसी ना कि प्रेरण करेंगे पठेबे जदि तार से भाव देखिए एवं आज्ञा बहुत ठक मान बुलूं प्रति सावधान ठक को किसी देवे ना कि दरकार ना नदे कि पाप हेबना ठक भल बोली किपर भाव जानवे जे लोभाग्रत मान को भावे आपण किसी खाद्य देखे से कह पैसा दौना एसा दौना तेसा दौना सी हूँ ठक लोभ आज्ञा आसंता काली एकादशी होता द्वारा महाप्रभुंर से अड़ाबेढ़ा उपर महाप्रभुंर उठब अपूर्व भाव सहित महादीप मैंने दर्शन करेंगे महाप्रभुंर से भाई भाव से कौन करे जप करे समस्त को बाहुड़े दिए से साधु जनक कहले आपण जदि आपणकर हाथ रू किए खाली हाथ में बाहुड़ी जाए तो आप संपूर्ण भाव पाप पंकर बुड़ी नरकगामी हे एक कथा कहबारू से कहले मु ओम नम शिवाय नम संपूर्ण भाव में महाप्रभुंर शिवंकर मंत्र को जप करुच्ची मोर कि हम ना एक कथा कही फेरदे जी भी आसती गाँव रही चंदा नवाप आसिले
से मध्य कहा को दियंते नै मोर चंदा भंदा दबार नै मु कहा करे खाइबार नै एबोली बाबरे कहि समस्त को बाहुडे दियंती किंतु जप करुतंती प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर मंत्र को जप करुतंती बारंबार 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 जप करुतंती एक कथा समस्तंकर ग्राम रे व्यापी गला पाखाख लोक मध्य जानिले जे ये कहा को किछि दिए नाही एक कथा जेते बले शिवंकर पाखरे पहुंचिला मध्य कथा तो रहे नहीं ना कथा तो पहुंचब जेतु शिव भक्त तांक भीतर शिव देवता देवता मानक भीतर मध्य वार्तालाप हुंती आपणकर गोटे भक्त अछि मर्त्य भूमि रे से कहा को किछि दउ नाही केवल आपणकर नाम को जप करुछि ना एभली भाव रे कहना भक्त टीए कदापि कहा को किछि मना करे नाही ता पाखरे जहाँ थिए थाए तार समर्थ अनुसार से निश्चित भाव रे प्रदान करी सत्कारित करी थाए पत्त पावनकर आपण दर्शन करुछंती वेश श्रृंगार सरीगलाणी ता सहित भक्तवृंद माने पत्त पावनकर सी चका चका नयन को देखुछंती माँ माने समस्ते आसी महाप्रभुंकर से दर्शन प्राप्ति करुछंती आपण माने मध्य घरे बसी जय जगन्नाथ टेलीविजन माध्यम रे महाप्रभुंकर से चका चका नयन को मध्य दर्शन करुछंती एबोली भावर सहित से मध्य बाहुडे देई थाए समस्तंकु एकदा जतबेले महाप्रभुंकर बा देवदेव महादेवंकर कान रे पड़िला सेतबेले महादेव मध्य कौन कले ना एक कथा ताहले ताले मु निजे जीवी आऊ निजे जीवी परीक्षा करिबा पाई केतकांश रे भ्रमित होई मध्य एकादशी रो कथा को मध्य मन भितरे चिंता करिथांती कोउ दिन एकादशी पालन करी कैलेंडर रे गोटिए कथा रहिछि आउ गोटिए कथा मध्य रहिछि किंतु आज एकादशी नुह काली एकादशी जेहेतु मंदिर रे काली मध्य पालन करा जाउछि एकादशी सेति पाई मध्य एकादशी रो व्रत रुक्मिणी हरण एकादशी पुणी काली रहिछि आज रही राजेन्द्राभिषेक महाप्रभुंकर दशमी कालीन नीति काली होउछि एकादशी रो नीति कांति सेति पाई एकादशी होउछि काली समस्ते पालनीय निश्चित भाव रे जो माने एकादशी व्रत माने करुछंती निश्चित भाव रे काली पालन करी परिबे कहिंकि ना उदयात उदयाबार उदयात उदयातिथि अनेक कैलेंडर मानंकर ताजरे जादरे गणना किछि न करा जाय ताको मध्य लिखा जाए पांजीर जदि आप देखिए निश्चित भाव में काली 18 तारीख मंगलवार दिन लिखा जाए कि रुक्मिणी हरण एकादशी बोली से जो माने एकादशी मध्य पालन करुछंती निश्चित भाव में से एकादशी को मध्य काली पालन करिपारे पत्त पावन आप दर्शन करुछंती जय जगन्नाथ टेलीविजन माध्यम रे महाप्रभुंकर मध्य एकादशी नीति काली मध्य अनेक रही रुक्मिणी को हरण करिवे ता सहित महाप्रभुंकर मध्य विवाह कथा रही बाजिबा बाजे साहानाई आज्ञा चारिद्वारे साहानाई बाजिब जेपरी भाव रे घरे आमर कहार विवाह हेले जेपरी भाव रे कौन होइथाय बाटरे बसी द्वार आगरे बसी बाजु थाए साहानाई से बोली भाव रे सहित चारिद्वारे रे बाजिब बाजणी बाजा ता सहित महाप्रभु मध्य स्वतंत्र भाव रे सहित विवाह मंडप रे विराजमान करिवे जगन्नाथ साजिबे अपूर्व भावर सहित बरवेश लक्ष्मी सांताणी साजिबे कन्या वेशरे मध्य सुसज्जित हेबे विवाह महोत्सव महाप्रभुंकर चलिब आउ आगंतुक समस्तंकर उपाय मध्य महाप्रसाद मध्य सेभली भावर सहित मध्य प्राप्ति होइथाए कौनसी मूल्य देबाकु पड़े नाही बिना मूल्य रे मध्य संपूर्ण भावरे महाप्रसाद पाइबार सुजग मध्य काली रहिछि आपण त्रिशूल देखुचंती शिव पंचाक्षर मंत्रर जेतेबेले महिमा कथा स्वतंत्र भाव रे आसीछि सेतेबेले मध्य से कोण करिछंती देवदेव महादेव निजे कोण कले ना बाहरी पढ़िले महाप्रभु परीक्षा नबा पाई से भक्त को देखिबा किपरि भाव रे से दौ नै से कहा को दौ नै कोण मते भी दबो नै आमे देखुचंती धुनी गादी बा लक्ष्मीद्रा जो अच्छी धुनिगादी स्वतंत्र भाव रे लंगुली मठर धुनिगादी त्रिशूल आज्ञा
ता उपरे मध्ये बेलपत्र मंदार फूल इत्रिदल त्रिगुणाकारं त्रिनेत्र त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एक बिल्व शिवार्पणं जो बिल्वपत्र आम देखा मात्र कि त्रिशाखा बेलपत्र पुणि त्रिशूल दर्शन सोमवार रे ये मध्य तीनी शूल को विदारण करने त्रिशूल सहित बेलपत्र त्रिशाखा बेलपत्र ये समस्त प्रकार रामर त्रिताप को विनाश कर दिंती पंचाक्षर मंत्र कथा जिते बड़े आसी थाए शिव पंचाक्षर मंत्र से भाई भाव से जप कर जप करने सहित शिव से देवदेव महादेव आसी पहुँचीगले एक वेश धारण करी साधु वेशरे आसी पहुँचीगले जिते बड़े साधु वेश को धारण करी देवदेव महादेव पहुँची जा प्रभात समय आसी पहुँची गला परे परे भवत भिक्षाम देही मागिछंती वृद्ध जनक बाहर को आसी कहिछंती एबे मु देही पारिबिनी आउ किछ समय छाड़ी के आसंतु देवदेव महादेव आज्ञा से कोड़ी भक्त टीए जानी पारिबो भक्त मध्य जानी पारिला नाही भक्त जानी पारिला नाही ये किपरि भावरे किए बोली पुनर्बार कहिला आपण आउ किछ समय छाड़ी आसंतु आउ किछ समय छाड़ी जीवापाई मध्य कहवा पर देवदेव महादेव कहले हौ तू कंजूस हेले तू मोर भक्त हेले मध्य मु तोर भगवान देखिबा केमिति दबुनी थर कु थर से बोली भावरे आउ थरे आसिले कहले एबे एही समय रे मु देई पारिबिनी आउ किछ समय छाड़ी आसंतु प्रभात समय मध्यान समय कटिगला तापर संध्या समय जिते बड़े आसी पुनर्बार सूर्य अस्त पूर्व आउ थे पहुँचिले ना यही समय रे कौन किए क्या दिए यही समय नुआ आउ किस समय छाड़ी संध्या समय रे आसी सारा परे परे कहती संध्या समय रे परे आसवापी संध्या समय परे आसिले आसवा बेलू कहले यही समय रात्र आसिले रात कहले आम तो समस्त भोजन कर सारे आउ कौन अच्छी किसी ना का सका आस से दिन से देवदेव महादेव मध्य रहिले सेठारे कहले हौ मु आज रही एठारे आ देखिबा किपरि भावरे से भक्त दब नाही से भक्त किंतु नदीए किंतु शिव पंचाक्षर मंत्र को जप करू थाए सदा सर्वदा जप करू थाए महाप्रभुंकर नाम को महाप्रभुंकर नाम प्रभाव निश्चित भावरे अछि आज्ञा जहांकर प्रभावरे स्वतंत्र सर्व सबू किछि प्राप्ति हो जाई थाय से नाम को जप करिवा सहित से मध्य शिव को चिन्ही पारिला ना क्या चिन्ही पार ये गोटे अंध ही जानती आज्ञा कृपण जो माने क्या दबापी इच्छा करती ना क्या दबापी मध्य से क्या चिन्हे क्या चिन्ही पारे ना ये भाव जार दबार उद्देश्य थी से कह हाँ मुझे जाणी आर दबार इच्छा नु किए मुझे जानी इत कथ पचार दबार इच्छा अच्छे मैंने देदेवे संगे संगे से भाई भाव में दबार इच्छा ना से शिव को चिन्ह पारा ना सका समय पुनर्बार आसिले से कहले आपड़ जापारे नहीं मुझ दबार इच्छा ना मुझे तो आपण को कहली आउ कि समय पर आसतु सका मध्यान मध्यान पर संध्या संध्या पर रात्र हो गला मुझे आपण को कौन मुझे संपूर्ण भाव डायरेक्ट कह कि इनडायरेक्ट कह मुझेपरिनी पुनर्बार सका आप आसीगले मुबी ना आपड़ जा देवदेव महादेव मध्य चलीगले बयस बढ़िया सहित कहीं जिते दिन लिखित भाव आनी था आम आज्ञा से दिन आज्ञा बंचापर कही रही ना रही बेटी ना भव रंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़े काल बेले समस्ते निजर निजर अभिनय को सारी निश्चित भाव कालर अवशय जगत प्राणी कालर आयत से भावे ताको समस्ते कहते ये धन रत्न रखीचु कौन करू मरीजु तो कौन सी प्रकार प्राप्ति हम ना स्वर्गर तो ते जगह मिलवनी ना मु स्वर्ग दरकार नहीं ना कौन नर्क को जीव ना नर्क मुझी नहीं मु सब बेले प्रत्येक समय रे शिव पंचाक्षर मंत्र को जप करुची माने मु निश्चित भाव शिवलोक को जीवी ये भावना करी
से सदा बेले थाए समस्तंकु एक कथा कहू थाए जते बेले मरणा चिन्ह आसी जाई थाए मरण काल समय रे मध्य शिवंकर नाम को जप करू थाए जप करी करी केते बेले प्राणवायु उड़ी जाई छ आज्ञा प्राण प्रयाण समय एक भवात पित्ते कंठावरोधन विभु कंठ आरुधित हो जाई छ सते बेले आउ शिवंकर नाम को से नहीं पारी नाही अनेक थर नाम नहीं छि मध्य किंतु से समय रे संपूर्ण भाव रे नहीं पारी नाही से भावितिला मरी सारा परे ताकु कौन प्राप्ति हब ना संपूर्ण भाव रे प्राप्ति हब शिवलोक शिवगण माने आसीबे ये भावना करी से जते बेले देखु थाए आत्मा परमात्मा निजोग नित्यम आत्मा सदा सर्वदा आज्ञा मरे नाही ये शरीर असिना नाशवान हुए आत्मा नाशवान हुए आत्मा से बोले बाबरे मृत्यु परे परे देखिला शिवगण आसी कहीं ना संपूर्ण भाव महिषी उपरे बसी किछि कौन आसुचंती भोग नैवेद्यर प्रस्तुति ता सहित महाप्रभुंकर भोग विभिन्न प्रकार फल कदली ता भीतर विभिन्न प्रकार द्रव्यमान रही महाप्रभुंकर से भोग नैवेद्य लगवापी भोग नैवेद्य लगभग आपण मैने देखुंट महाप्रभुंकर ये स्वतंत्र भावर सहित जत कथा आसे ये समस्त प्रकार भोग नैवेद्य प्रस्तुति हो भावे प्रस्तुति चली शिव पंचाक्षर मंत्र को जप करने द्वारा से भावी मत शिवगण मान आसवे पचारु आपण किए ना आम जमदूत जापार ना जमदूत आसिले ना कौन पाए ना मुते पुण्य करते मंत्र जप कर शिव पंचाक्षर मंत्र मत शिव शिवंकर गण आसवा कथा नापाई आपण किपर भाव आसिले आप देखिकी आसचंत ठीक चित्रगुप्त को पचारिकी आसचंती तो कहले हाँ ठीक देखीचु आपणकर वयस आपण किछि पुण्य करिनांती काहाकु मध्य किछि देइनांती खाली नाम जप कले कोन हेजिवो खाली कहि देबे खाली कहि देले हेजिवो कि हबो नाही ना कार्य रे करिबा को पड़िबो पत्त बाबरंकर आपण दर्शन करुचंती देवदेव महादेवंकर नाम को जप करिबा सहित कहले हौ यदि नरक को मते रही जीव गोटे काम कले हंतानी गोटे काम करुन मु नरक को जीवि हाँ आपणकर सहित मु नरक को जीवि मु शिवंकर नाम को जप करिछि शिवंकर तांकर लोक को टिके मते नहीं गले हंतानी से बाटे आपण टिके नहीं जीवे शिव लोक को तापरे मते नरक को नहीं जी हौ शिवंकर नाम को मध्य अनेक जप करिछि जेतु शिव लोक को जीवा पई इच्छा दिब अछि चल से बाटे नहीं जीवु तापरे नरक को नहीं जीवा ए भावना करी शिव लोक रे जते बेले पहुंची गले शिवंकर आगरे से उभाई जाइछंती सेते बेले शिव मध्य प्रसन्न चित्त रे विराजमान करी कि अछंती पजारिले ए संपूर्ण भाव रे जमगण को ये किए ना ये आपणकर जने भक्त ना भक्त तो आपण सहित किपर भाव रे आसिले ना ये या किछि पुण्य करिनी सेतिपई नरकगामी होबार यादर लेखा जाइछि कहीं ना समानेक अतिथि को बाहुड़े देइछि काहाकु अन्न जल काहाकु मध्य किछि देई नाही निराश करी समस्तंकु फेरैछि सेतिपई ना निराश करी कि समस्तंकु कोन मु निजे जाइछि मते मध्य से किछि देई नाही ना मु आपनकु कोन जानिछि ना आपनकर नाम को मु जप करे आपन जानिना ना जप कर बोली मु जानिछि जप कले कौन हो खाली जप कले हेनी ना ना कौन मु सतरे नरक को जीवी ना नरक को जीवा निश्चित भाव कनफर्म कि सन्देह ना आपण नरक को जीवार कौन सी सन्देह ना नरक को ही जीवे ये कथा जत बी नरकगामी हवापाई समस्त प्रकार देखापर शिव भक्त जेहेतु
ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଯଦି ଦାନ କରିନାହିଁ କିଛି କରିନି, ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କ'ଣ, ମୋତେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଇଏ ମର୍ତ୍ୟଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବି। ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କର ଭଜନ କରିଥିଲେ, ଶିବ କହିଲେ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ସେ ଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଶିବଙ୍କର ନାମ ଜପିବା ସହିତ ଯାହା ଧନରତ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କେତେବେଳେ କାହା କାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାହାକୁ ଅନ୍ନଦାନ ତ କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ରଦାନ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦାନ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ଦେବା ପରେ ପରେ ତୀର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଜଳଦାନ, ତୀର୍ଥରେ ଅନ୍ନଦାନ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ କରି କରି ଚାଲିଲେ। ସାତ ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରି କରି ଆଉ ଯମଙ୍କର ଦୂତ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆସିଲେ କିଏ ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିବ ଦୂତମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଶିବଲୋକକୁ ଦର୍ଶନ ହେବା ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ଯେକି ପୁନର୍ବାର କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ମିଳିଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟରେ ଭାଗିଦାର ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜପର ମହିମା ରହିଛି, ଆଉ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରୁଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥା କ'ଣ କହିବା, ପୁଣ୍ୟର କଥା କ'ଣ ବା କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ଜପାବ ଜପର ପ୍ରଭାବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନାମର ଜପର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହିଛି। ଆପଣ ସେଇ ନାମ ଜପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାଲି କେତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁନର୍ବାର ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଜି ଭିଡ଼ ଅଛି? ଆଜି ଭିଡ଼ ନାହିଁ। କାଲି ରବିବାର ରଜ ଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଆଜି ରଜ ସରିଯାଇଛି, ସଜବାଜ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ସରିଗଲା ରଜ ମଉଜ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଦେଉଳର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକୋଇଶ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ରଥଯାତ୍ରା ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ। 22 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋର 4ଟାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ, ସେଇ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ବେଶ ଅନେକ ପ୍ରକାର, ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ଆଜ୍ଞା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଲାଗୁଥିବା ଶୁଖିଲି ଭୋଗ, ଖଜା ଲଡ଼ୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୁଖିଲି ଭୋଗ, କୁହାଯାଇଛି ତାଳପତ୍ରରେ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ। ଏ ତାଳପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଳପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଇଏ ଯେପରି ଭାବରେ ଭୋଗ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ପଦାର୍ଥରେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୁଡ଼ୁଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସରା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଉଳି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ହିଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ, ତାଡ଼ ରହିଛି, ତାଡ଼ରେ ଇଏ ସବୁ ଖଜା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯିଏ ଆସିଥାନ୍ତି ଏ ଶୁଖିଲି ଭୋଗକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ଯାହାକି ବହୁତ ଦିନ ରହିବା ରହିପାରିଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରେ, ବା ମାସ ମାସ ଧରି ମଧ୍ୟ ସେ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିତର ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ଆଜ୍ଞା, ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଖଜା ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये होची आमे संपूर्ण भाव ईशान्य कोण रु दर्शन करुछंती महाप्रभु बड़ देवल आपटे महाप्रभु पत्त पावन चली कण भोग नैवेद्य पाई प्रस्तुति रथ मध्य किपर भाव प्रस्तुति हो गला षोल चक विशिष्ट महाप्रभुंर नंदी घोष रथ को आपण मैंने दर्शन करपटे चारि चका देखुंट सेपटे चारि चार चार आठ 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 षोह ये षोल चका विशिष्ट महाप्रभुंर नंदी घोष रथ आज्ञा नंदी घोषर रथर चका संख्या आज्ञा षोह ये षोल चकर स्वतंत्र भाव नामकरण के काठ लगी थाए के जगार कौन लगी थाए तार स्वतंत्रता रही कण भुज केतोटी से भाव सिंह विराल लगी थाए सिंह विराल जहाँ कह जाए सिंह विराल नर विला विराल ता स्वतंत्रता अच्छी पार्श्व देवादेवी के विराज मानवे मान करे तार स्वतंत्रता अच्छी भक्त वृंद माने आज्ञा केते बेले आज्ञा नीति पुण्या नीति बोली कह जा श्रीक्षेत्र लगी नाट नीति पुण्या नीति नीति पुण्य पूर्णिमा जपरी भाव रही था पुण्यता रूप से सदा सर्वदा आज्ञा भिड़ लगी था आज्ञा केते भिड़ कमी जाए तो केते भिड़ पुनर्बार बढ़ी जाए महाप्रभुंर आज्ञा ये समस्त प्रकार लीला लीला जिमुते कले बर देव मानव गजर जहाँ को देवता मैंने जापारती ना आम बा कौन साधारण मनुष्य जानवा लीला कहीं जापारी ना कहीं जापारे ना आपण मैंने पत्त पावन दर्शन करप्रभुंर राजाधिराज भाव अभिषेक करो वैदिक मंत्र रही आज्ञा राजाधिराजाय प्रसभशालिने नमो वयम वैश्रवणाय कुर्महे समे कामांत कामाय मह्यम कामेश्वरा वैश्रवणं दधातो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय देव नमः संपूर्ण भाव राजाधिराज भाव महाप्रभु आम आज्ञाकर महाप्रभुंर स्वतंत्र भाव सहित से चलिब नीतिकांति डगर आसीब संवाद प्रदान करीब घृत कौशिक ऋषि भाव महाप्रभुंर सेवक मध्य दंड प्रणाम करी महाप्रभु को धीरे धीरे दंड प्रणाम दृश्य अपूर्व प्रणाम करी जी दंड प्रणाम से बाट महाप्रभु को पुनर्वार आनर्वार दंड प्रणाम करे पुष्पाजलि दौथे दंड प्रणाम करे पुनर्वार से बाट आस जेपरी भाव दंड प्रणाम करी चली था आज्ञा दंड प्रणाम करे आग को पुनर्वार चलिए से बाट चली सारापर पुनर्वार दंड प्रणाम करी भाव महाप्रभु को मध्य दंड प्रणाम करी महाप्रभुंर से दक्षिण घर को निजी सेठे अभिषेक करनेक नीतिकांति आज्ञा महाप्रभुंर रही आज्ञा आसंता काली एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी निश्चित भाव जो मैंने एकादशी करश्चित भाव आपण मैंने पालन करेंगे कल पुणी महाप्रभुंर जेहेतु एकादशी नाम रुक्मिणी हरण एकादशी बहुत आपण खड़ा को देखुंट रथ खड़ार अपूर्व दृश्य को आपण मैंने दर्शन करुंट महाप्रभुंर नाम को से भाव उच्चारण करतु महाप्रभुंर नाम स्वतंत्र भाव महिमा रही जो नाम को जप करने द्वारा ये हूँ सुभद्रा रथ कहीं चक संख्या आप देखिए बारटी चक ये हूँ चौदह चक विशिष्ट सात सात देखिए एपटे सात थी सेपटे सात थी चौदह रथ चक संख्या ये हूँ तालध्वज रथ मधे दर्प दलन रथ ये भाव रथर दृश्य आपण मैंने दर्शन करुंर नाम को जप करतु ता सहित महाप्रभुंर तो देखुंट किपर भाव भोग प्रस्तुति चली भोग हो सारापर पर महाप्रभुंर आरती आरती को दर्शन करेंगे भोग प्रस्तुति हो गला आम महाप्रभुंर से स्वतंत्र भाव सहित देखी नाम संकीर्तन द्वारा महाप्रभुंर नाम को मध्य जप करवा नाम को उच्चारण पूर्वक जगन्नाथंकर नाम को स्मरण करवा मात्र के जगन्नाथंकर नाम को चिंतन करवा मात्र के महाप्रभु स्वतंत्र भाव सहित दर्शन मध्य प्रदान करी कहीं महाप्रभुंर नाम जपरे जो कथा रही जो
ସୁନାମ ରେ ଯାହା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ନାମର ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପରେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳିଯୁଗ କେବଳ ନାମ ଆଧାରା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିବା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ, ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ପରେ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବର ସହିତ ତାଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଭଜରାମ ଶତପଥି ମହୋଦୟଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ତ୍ରାହି ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାହି ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାହି ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।